हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय क्लास इन स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश वन। स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश वन में हम जो यूनिट नंबर फाइव है उसको लर्न कर रहे थे। उसका नेम है डेविड एंड गोलियत। वो जो यूनिट है उसमें डेविड एंड गोलियत के रिलेटेड एक स्टोरी दी गई है। वो स्टोरी के अलग अलग थ्री पार्ट्स है। यंग डेविड एंड गोलियत पार्ट थ्री, हमने पार्ट वन एंड पार्ट टू है वो और जो लास्ट वीडियोस थे उसमें हमने लर्न किए थे, देखे थे। आज हम जो यंग डेविड एंड गोलियत है उसका पार्ट थ्री देखेंगे। उससे पहले हमने पार्ट वन और पार्ट टू में हमने क्या लर्न किया था वो थोड़ा सा रिवाइज कर ले, ताकि आपको जो स्टोरी है उसके आगे के जो पार्ट है वो आपको याद आ जाए। ओके, तो पार्ट वन में था कि एक डेविड नाम का एक लड़का है, बॉय है, उसके थ्री भाई है, उसके थ्री बड़े भाई है। वो तीनों के तीनों जो किंग है इज़राइल के, किंग के जो राजा की आर्मी है उसमें सोल्जर्स है, और जो डेविड है वो भी उसकी आर्मी में सोल्जर्स बनना चाहता था, लेकिन उसके जो फादर थे उन्होंने मना किया क्योंकि वो अभी छोटा है, और इसलिए उसके फादर ने उससे सीप है उसको ग्रेजिंग करवाने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी केयर करने के लिए उसको बोला। तो डेविड है वो हर रोज सीप्स को लेकर पहाड़ी जो होती है और फील्ड होती है वहां पे लेके जाता था, और खुद है वो क्या करता रहता था, जो स्टोन्स होते हैं स्मूथ टोन्स थे स्टोन है उसको फाइंड करके उसको अपनी बैग में डालता रहता था, और एक स्लिंग से वो स्टोन्स थे उसको कभी कभी जो सीप वो चरवाने लेके जाता था ग्रेजिंग के लिए, वहां पे लायंस भी आते थे, बियर्स भी आते थे। तो जो ये जो डेविड है वो सीप्स को बचाने के लिए जो वो पत्थर इकट्ठा किए हुए थे उसको वो स्लिंग से ऐसे करके हेड पे घुमा के वो पत्थर है वो जो एनिमल्स थे उसके ऊपर फेंकता था, और वो जाके जो एनिमल्स की जो आंखें थी उसके बीच में जाके लगता था, इसलिए एनिमल है वो वहां पे ही मर जाते थे। फिर सेकंड पार्ट में हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट में ही उसके फादर ने पता चला कि एनिमी है, उसने इसराइल पर अटैक किया है, इसीलिए उसके फादर ने बैग्स ऑफ फ्लोर और कुछ लेटर है उसके भाइयों को देने को बोला। तो डेविड है वो उसके भाइयों के पास, सेकंड पार्ट में डेविड है वो उसके भाइयों के पास चले जाता है, और वो जो उसने फादर ने दिया था उसको लेकर जाता है। फिर सभी डेविड वहां जाके देखता है तो वहां पे एक बहुत बड़ा जायंट था जिसका नाम था गोलियत। तो गोलियत है वो बहुत ही शक्तिशाली था, उसको कोई भी हरा नहीं सकता था, और सभी जो सैनिक है सभी जो सोल्जर्स थे वो ये जायंट से डर रहे थे। अब किंग है वो बहुत ही वरी होने लगा कि अब इसराइल का क्या होगा, ये जो जायंट है वो हमें खत्म ही कर देगा। इसीलिए किंग ने डेविड है किंग ने है उसको जायंट को मारने के लिए एक प्रॉमिस किया, सभी सभी सैनिकों को बुला के सभी सोल्जर्स को बुला के प्रॉमिस किया कि अगर कोई जो ये जायंट को मार देगा किल करेगा तो उसके साथ मैं अपनी जो डॉटर है उसके शादी करवाऊंगा, और उसको उसके अलावा उसको गोल्ड और ज्वेल्स भी दूंगा, और पूरे इसराइल का उसको सबसे रिच मैन मैं बना दूंगा, ऐसा प्रॉमिस वो सभी के सामने देता है। लेकिन कोई भी ये जो प्रॉमिस है इसके लिए और जायंट को किल करने के लिए कोई भी सोल्जर से वो आगे नहीं आता है। तब डेविड है ये सब सुनता है, तो डेविड आगे आके बोलता है कि मैं मारूंगा। फिर क्या होता है तो देखते हैं, और राजा और वो सब क्या उसके भाई भी सैनिक में थे, तो उसके भाई है वो हंसने लगते हैं, राजा भी हंसने लगता है कि तुम एक बॉय हो तुम क्या इतने बड़े जायंट को मारोगे। तो लेकिन राजा है वो एंड में मान जाता है कि ठीक है तुम्हें भी एक ट्राई करने देते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो वहां तक हमने देखा था, पार्ट थ्री है वो पेज नंबर 44 पे, आपकी जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 44 पे एक्टिविटी नंबर 7 है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट रियली हैपेंड विद द रेस्ट ऑफ द सोल स्टोरी साइलेंटली। अब जो बाकी रही है वो स्टोरी हम रीड करते हैं।
Young David and Goliath part 3. Okay. Then David took his bag of smooth round stones and his sling. फिर डेविड है उसको राजा ने बोला कि ठीक है तुम अगर करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो मार सकते हो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तो डेविड है वो अब क्या करता है तो डेविड है वो अपने बैग में से जो स्मूथ और राउंडेड स्टोन से उसकी बैग और जो स्लिंग था उसको निकालता है। He stood in front of the king's army and called the giant. फिर जो पूरे किंग की पूरी जो आर्मी थी उसके आगे जाके सबसे आगे जाके खड़ा हो जाता है और जो जायंट था उसको कॉल यानी बुलाता है कि क्या कहता है व्हेन गोलियत हर्ट डेविड वो डेविड है वो जायंट को बुलाता है इसीलिए जो जायंट है गोलियत है वो डेविड की आवाज को सुनता है। His cruel eyes grew as red as fire. ये सुनकर उसकी जो आईज है वो क्रूअल आईज आईज कैसी है बहुत ही क्रूअल है क्रूर है तो उसकी जो क्रूअल आईज है वो कैसी हो जाती है फायर वो ऐसी रेड जैसे फायर रेड होता है वैसी उसकी आईज है वो रेड हो जाती है उसकी आंखें फायर की तरह रेड हो जाती है। गोलियत एंग्री इसको और बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होके कि उसको डेविड है वो बुलाता है इसलिए बहुत ही गुस्सा हो जाता है गुस्से में उसकी आंखें है वो फायर जैसी रेड हो जाती है और वो एंग्रीली बोलता है क्या बोलता है इज़राइल हैज सेंट अ बॉय टू फाइट अगेंस्ट मी कि इज़राइल ने मेरे सामने फाइट करने के लिए एक बॉय को भेजा है और कोई नहीं सिर्फ बॉय को ऐसे भेजा मेरे सामने I will cut off his head and give his body to the wild beast. तो मैं इसे तो क्या कर दूंगा ये तो बॉय है इसको बॉय को तो मैं उसका जो हेड है उसको काट दूंगा और उसकी जो पूरी बॉडी है उसको मैं वाइल्ड बीस्ट यानी जो जंगली जानवर होते हैं उसको दे दूंगा। डेविड वॉज नॉट अफ्रेड डेविड है वो अफ्रेड नहीं था वो डर नहीं रहा था क्यों कि डेविड है वो जो जंगली जानवर थे उसको तो हर रोज ऐसे स्लिंग से लेकर पत्थर से मारता था और वो मर जाते थे उसको लायन जैसे एनिमल भी उसके सामने आते थे तो भी वो नहीं डरता था इसीलिए ऐसा जब गोलियत है वो ऐसा बोलता है तो डेविड को डर नहीं लगता है क्योंकि ये तो वो हर रोज करता था है ना लायन और बियर जैसे जंगली जानवर हर रोज उसके सिंह को खाने आते थे और हर रोज वो अपनी स्लिंग और स्टोन से उन सभी जानवरों को क्या कर देता था मार देता था तो वो तो उसके लिए सब इजी है। तो ही प्रेड क्वाइटली पहले वो शांति से प्रे करता है एंड देन ही रिप्लाई और फिर वो गोलियत को क्या करता है रिप्लाई देता है उसने जो कहा उसका रिप्लाई देता है आई एम ओनली अ बॉय मैं एक सिर्फ बॉय हूँ मैं एक सिर्फ लड़का हूँ But I will kill you and give your body to the wild beast. But लेकिन मैं तुम्हें kill कर दूंगा मार दूंगा और मैं तुम्हारी body को जो wild beast है जो जंगली जानवर है उसको दे दूंगा। तो when Goliath heard these words, जब Goliath ने ऐसे words सुने जो David ने अभी कहा ना वो सब सुना Goliath ने तो क्या हुआ He ran towards David to kill him. तो वो तो पहले से ही गुस्सा तो था ही फिर ऊपर से डेविड ने ऐसा बोला तो फिर वो है जैसे ही सुना वो सीधा दौड़ ही पड़ा डेविड को मारने के लिए उसके सामने दौड़ पड़ा फिर क्या हुआ कि बट डेविड took a stone from his bag. लेकिन वो जैसे दौड़ा लेकिन डेविड ने क्या किया डेविड भागा नहीं वहीं खड़े रहकर उसने क्या निकाला स्लिंग और स्टोन्स उसकी बैग में से उसने स्टोन निकाले एंड पुट इट इन हिज स्लिंग और जो स्लिंग थी स्टोन में जो स्लिंग में रखता था ना स्टोन उसमें रख के ऐसे घुमाता था तो स्लिंग है वो निकालता है ही वायर्ड हिज स्लिंग वायर यानी ऐसे घुमाना टू टर्न अराउंड इन सर्कल सभी जगह पे ऐसे सर्कल में घुमाना तो उसको स्लिंग
को ऐसे घुमाता है अबोव द हेड, उसके हेड के ऊपर ऐसे राउंड राउंड ऐसे घुमाता है स्लिंग को, एंड द स्टोन फ्लू इन द एयर, और स्टोन है वो एयर में जाता है, उड़ता है, जो स्लिंग में से जो स्टोन होता है वो एयर में उड़ के सीधा जाता है। फिर क्या होता है, इट हिट बिटवीन द आईज ऑफ गोलियत, और जो एयर में गया हुआ स्टोन था वो सीधा जायंट था ना जो गोलियत, उसके दो आईज के बीच में जाके यहाँ पे लगता है। एंड क्या होता है कि एंड ही फेल ऑन द ग्राउंड विथ अ लाउड क्राई, और बहुत लाउड क्राई के साथ वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। डेविड रैन एंड टुक द जायंट स्वॉर्ड, जैसे ही वो गिरता है फिर डेविड दौड़ता है और उसकी खुद की जो स्वॉर्ड थी तलवार थी उसको लेता है, एंड कट ऑफ हिज हेड भी थी, और उसी की स्वॉर्ड से उसका ही हेड है वो काट देता है, डेविड है वो जायंट का हेड काट देता है। डेविड ब्रॉट द जायंट्स हेड एंड टू टी एट द किंग्स फीट, डेविड है वो जायंट का जो हेड है वो पूरा काट देता है, तो वो पूरा हेड है वो लेकर आता है और जो किंग थे जो राजा थे उसके फीट में जाके वो सर है वो हेड है वो रख देता है। द किंग वॉज प्लीज्ड बिकॉज, किंग है वो खुश हो गया, प्लीज्ड हो गया यानी वेरी हैप्पी, खुश बहुत खुश हो गया, बिकॉज डेविड सेव्ड इज़राइल, क्योंकि डेविड ने पूरे इज़राइल को सेव किया था, वो जायंट गोलियत था उससे इज़राइल को बचाया था। डेविड मैरिड द प्रिंसेस एंड बिकेम द किंग ऑफ इज़राइल, तो डेविड है जैसे राजा ने किंग ने प्रॉमिस किया था ना कि जो जायंट को मारेगा उसको मैं अपनी डॉटर के साथ मैरी करवाऊंगा, शादी करवाऊंगा, तो प्रॉमिस है वो पूरा हुआ, राजा ने अपनी डॉटर को उसके साथ शादी करवाई, इसलिए डेविड ने प्रिंसेस से शादी की और डेविड है वो क्या बन गया, किंग ऑफ इज़राइल, इज़राइल का किंग बन गया, एक सीप चराने वाला बॉय है वो पूरे इज़राइल का किंग बन गया। तो ये थी हमारी स्टोरी, यहाँ पे की वर्ड्स है। पहला है बिस्ट, बिस्ट बिस्ट यानी अभी हमने बनाया था लार्ज एंड वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर होते हैं, तो लार्ज एंड बिस्ट यानी क्या होता है, जंगली जानवर। फिर है वॉल, वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी क्या होगा, तो उसका मीन टू टर्न अराउंड इन सर्कल। टू टर्न अराउंड इन सर्कल, सर्कल में ऐसे घुमाना टर्न करना उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ल्ड। और बीच यानी लार्ज एंड वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर। ओके, तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 8 देखेंगे। ओके, अभी एक्टिविटी नंबर 8 में आपको क्या करना है, व्हाट डिड दे से, रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट, राइट इट इन द एप्रोप्रिएट स्पीच बबल। तो इन्होंने क्या बोला है, डेविड ने क्या बोला, गोलियत ने क्या बोला, तो कुछ डायलॉग्स है वो आपको स्टोरी में से लेकर यहाँ पे लिखने हैं। तो पहले डेविड ने बोला कि आई विल, पार्ट टू में आता है कि आई विल किल गोलियत, ओके। फिर पार्ट थ्री में हम एक डायलॉग लेते हैं कि इज़राइल हैज सेंट अ बॉय टू किल मी, इज़राइल हैज सेंट अ बॉय टू फाइट अग
अगेंस्ट मी, सॉरी यहाँ पे आएगा फाइट अगेंस्ट मी। आगे क्या कहता है, आई विल कट ऑफ हिज हेड, तो आप उसके अलावा भी बहुत सारे डायलॉग्स हैं, डेविड के भी हैं, गोलियत के भी हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो पहले आप ये जो डायलॉग्स है वो अपनी बुक में लिख लो। अभी आपको नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 45 पे दो और डायलॉग्स लिखने हैं। पहला है वो डेविड्स फादर एंड दूसरा है द किंग। डेविड्स फादर है वो पार्ट वन में कुछ कहते हैं, वो जो डायलॉग है वो हमने यहाँ पे लिखना है कि लीव द सीट, वो है वो डेविड को बोलते हैं कि लीव द सीट, गो एंड फाइंड योर ब्रदर्स इन द किंग्स आर्मी एंड गिव देम दीस बैग्स ऑफ फ्लोर एंड दीस लेटर्स बिफोर दे गो टू फाइट। तो ये जो डायलॉग है मैंने इसमें लिखा, किंग के भी डायलॉग्स थे उसमें से, स्टोरी पार्ट नंबर टू है उसमें से मैंने ये डायलॉग लिया है। उसमें किंग है वो सभी को बोलता है कि द मैन हु किल्ड द जायंट गोलियत विल मैरी माय डॉटर एंड आई विल गिव हिम गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड ही विल बी द रिचेस्ट मैन इन इज़राइल। तो ये जो डायलॉग्स है वो भी आप अपनी बुक में कॉपी कर लो। अभी आपकी नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 9 है। एक्टिविटी नंबर 9 में आपको क्या करना है, तो एक्टिविटी नंबर 9A है, उसने इमेजिन दैट आफ्टर डिफीटिंग गोलियत डेविड वांट्स टू थ्रो अ पार्टी। कि आपको इमेजिन करना है कि गोलियत को हरा कर वो जीत गया, उसकी खुशी में जो डेविड है वो पार्टी थ्रो करना कर रहा है, यानी पार्टी दे रहा है। सो ही इन्वाइट्स हिज बेस्ट फ्रेंड सैमसन। तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड सैमसन को इनवाइट करता है। रीड द डायलॉग एंड फिल द गैप्स विद वर्ड्स यू थिंक आर एप्रोप्रिएट। आपको उन दोनों के जो था पार्टी है वो अपने बेस्ट फ्रेंड को थ्रो करता है और वो दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन होगी वो डायलॉग है वो आपको खुद से यहाँ पे कुछ लाइन्स दी है, लेकिन बीच बीच में आपको गैप्स दिए गए हैं, तो उस गैप्स में कौन सा वर्ड है वो एप्रोसिएट होगा वो आपको गैस करके लिखना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी नंबर 9। उसमें पहले सैमसन है वो बोलता है, यहाँ पे सैमसन का डायलॉग है, तो सैमसन सही मिडो लॉर्ड से, यानी से डेविड डेविड व्हाट अ फाइट।
What a fight! You played amazing. तो यहाँ पे आपको गेस करना है कि क्या आएगा. डेविड डेविड व्हाट अ फाइट, क्या फाइट थी. यू आर अमेजिंग आएगा कि यू वेर, क्योंकि फाइट है वो हो चुकी है, उसमें वो अमेजिंग रहा है. तो यहाँ पे यू वेर आएगा, पास्ट में आएगा. ओके, पास्ट फॉर्म आएगा, आर का पास्ट फॉर्म वेर आएगा. फिर कौन बोल रहा है, फिर है डेविड है वो बोल रहा है. यहाँ पे आएगा डेविड से, वो क्या बोलता है, डिड यू सी हाउ गोलियाथ, ब्लैंक एट द एंड अभी आगे डायलॉग कंटिन्यू होता है. डेविड ने वो कहता है और ये हाउ डेयर ही कम एंड चैलेंज अस. तो फिर सैमसन बोलता है पार्टी पार्टी, यानी पार्टी चलो. डेविड कहता है यस ऑफ कोर्स, वेयर डू यू वांट टू गो. यहाँ पे क्या आएगा, वांट टू गो, वेयर डू यू वांट टू गो. तो सैमसन कहता है लेट्स गो टू, कहाँ पे जाना है. वो गेस करके आप कोई भी प्लेस का नेम लिख सकते हो, जैसे कि टॉप ऑफ द हिल्स या फिर रिवर बैंक, सी शोर, कहीं पे भी जा सकते हैं. तो लेट्स गो टू द रिवर बैंक. ओके, तो यहाँ पे जो डायलॉग्स है वो खत्म होते हैं. उसके बाद है और एक्टिविटी 9 है, वो ए था वो डायलॉग था. एक्टिविटी नंबर 9 में बी है, बी पार्ट बी.
के वर्ड्स में जो क्वेश्चन है उसके आंसर लिखने हैं। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अभी डिस्कस करते हैं और फिर बाद में बोर्ड पे लिखवाते हैं। ओके, तो व्हाट प्रॉमिस्ड डिड द किंग मेक टू हिज सोल्जर्स। तो जो किंग था उसने क्या प्रॉमिस किया हुआ था? तो किंग ने प्रॉमिस किया था कि जो भी ये जायंट को मारेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा और उसको गोल्ड और ज्वेल्स दूंगा और उसको क्या कर दूंगा, उसको सबसे रिचेस्ट, इज़राइल का रिचेस्ट मैन है वो बना दूंगा। फिर व्हाट वीपन डी डेविड किल गोलियत विथ। डेविड ने गोलियत को कौन से वीपन से मारा था? तो क्या था उसके पास? स्टोन्स एंड स्लिंग्स से मारा था। कैसे मारा था? तो उसको ऐसे राउंड घुमा के एयर के थ्रू स्टोन फेंक के जो गोलियत थे उसके दोनों आइज के बीच में उसको हिट करके उसको मारा था। व्हाट रिवॉर्ड डिड डेविड गेट आफ्टर किल्ड गोलियत। गोलियत को मारने के बाद उसको कौन सा रिवॉर्ड मिला? तो उसको प्रिंसेस के साथ शादी हो गई और उसको क्या बन गया? वो किंग ऑफ द इज़राइल, इज़राइल का किंग भी वो बन गया। तो लेट्स राइट इट ऑन द बोर्ड। पहले ये लिख लो। अभी पहला क्वेश्चन है व्हाट प्रॉमिस डिड द किंग मेक टू हिज सोल्जर्स। तो द किंग प्रॉमिस टू मैरी हर डॉटर टू द सोल्जर, सॉरी सोल्जर हु किल्ड गोलियत एंड ऑल्सो गिव हिम गोल्ड एंड ज्वेल्स। फिर विच वीपन डिड डेविड किल गोलियत एंड हाउ। तो डेविड किल गोलियत विच हिज स्लिंग बाय पुटिंग अ स्टोन इन रीड करना है और रिवाइज करते रहना है। थैंक यू।